जम। नमस्कार, मैं काजल निशान। हो सकता है साथियों कि कल मैं आप सबके बीच में ना रहूं, हो सकता है कि ये मेरा आखिरी वीडियो हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह से धमकी दी जा रही है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बीजेपी सपोर्टर्स की तरफ से मुझे बहुत तगड़ी वाली धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि काजल निषाद अपनी आवाज बंद करो, नहीं तो तुम हमेशा के लिए सो जाओगी, हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाओगी। मेरे पास आवाज है, प्रूफ के लिए सबूत है, मेरे पास रिकॉर्ड है। कहा जा रहा है कि काजल निषाद, हम तुझे गोलियों से भून देंगे, तुम सरकार से सवाल क्यों पूछ रही हो, तुम विपक्ष से सवाल पूछो, तुम सरकार से सवाल क्यों पूछ रही हो। जो सरकार से सवाल पूछेगा हम उसका वही हाल करेंगे। आवाज है मेरे पास, वो धमकी मुझे दे रहा है कि पहले भी मैंने किसी को बियर की बोतल पेट में घुसाड़ के मार डाला है, तुझे भी अच्छी तरह से ढूंढ के मार देंगे, और तू फेमस है तो तेरा एड्रेस बहुत जल्दी मिल जाएगा। और ये भी कह रहा है कि काजल निषाद को मार के मैं भी फेमस हो जाऊंगा क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं है। और ये भी कह रहा है कि क्या हो गया, मैं मार दूंगा, उसके बाद मैं आराम से छूट जाऊंगा, कानून तो मेरे हाथ में है, 5-10 लाख खिलाऊंगा और तुरंत छूट जाऊंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, पहले भी मैं ऐसी हत्याएं कर चुका हूं और मैं छूट चुका हूं आराम से, कानून जो है वो पैसे से खेलता है, सब धन की माया है। ये सारे आवाज है, ये सारा आवाज है। तो हो सकता है कि मैं शायद कल आपके बीच में ना रहूं, पर साथियों मैं शायद ही मेरा आखिरी वीडियो हो, तो मैं देश को एक संदेश देना चाहती हूं कि अपनी आवाज कभी भी बंद मत करना, किसी से मत डरना, कल चाहे मुझे कुछ भी हो जाए अपनी आवाज बंद मत करना। जहां आपको लगे कि मेरे भारत में गंदगी हो रही है, जनता के साथ अन्याय हो रहा है, वहां आवाज उठाइएगा। और मैं सभी मित्रों से कह देती हूं कि प्लीज ये हिंदू मुसलमान भी मत करिएगा, क्योंकि क्या होगा, किसी हिंदू के पास पड़ोसी कोई मुसलमान रह रहा होगा तो आधी रात को पड़ोसी ही काम आएगा। और मेरे मुसलमान भाई, आपसे भी मैं कह रही हूं कि कोई हिंदू आपका पड़ोसी होगा तो आधी रात को हिंदू ही काम आएगा। ये जो हिंदू मुस्लिम के बीच में बैर पैदा कर रहे हैं ना, ये जो बगावत कर रहे हैं ना, उनसे सावधान रहिएगा। लेकिन हाँ, अपने सरकार से सवाल जरूर पूछिएगा, क्योंकि ये एक काजल को मारेंगे, ऐसी लाखों काजल पैदा हो जाएगी। ठीक है, हमेशा अपने भारत के बारे में सोचिएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिर्फ वतन के लिए, वतन के लिए जिए आप, सिर्फ वतन के लिए। ठीक है, और मैं भारत की हूं, मेरी मिट्टी भारत में मिल जाएगी तो मुझे खुशी होगी, लेकिन मैं बहुत हिम्मत वाली हूं, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी, अगर मुझे गोलियां भी लग जाएगी ना तब भी मैं भारत की आवाज उठाऊंगी। ठीक है, जय हिंद।